हे गाइस, दिस इज निखिल पितले एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने देखा कि 2020 एक ऐसा साल था, काफ़ी लंबा साल था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। साल की शुरुआत में हर किसी की तरह मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें सोची हुई थी, काफ़ी गोल्स बनाए हुए थे, काफ़ी विश लिस्ट थी। लेकिन देखो, साल की शुरुआत में फरवरी में कोरोना के संक्रमण के केसेस बढ़ गए, उसके बाद में मार्च में लॉकडाउन लग गया, हम सब लोग घर के अंदर बंद हो गए। जिससे एक चीज़ अच्छी भी हुई, घर में बंद होने की वजह से मॉम की हेल्प कर सके, घर का काम कितना मुश्किल होता है वो समझ में आया, और अपने परिवार के लोगों को नज़दीक से जानने का भी मौका मिला। क्योंकि क्या होता है, ज़िंदगी बहुत फास्ट होती है, हम लोग के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता, अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं होता, कभी कभी खुद के लिए टाइम नहीं होता। लेकिन जब लाइफ आपकी स्लो हो जाती है, पॉज हो जाती है, उस वक्त आपको आपके अंदर इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है, भीतर झांकने का मौका मिलता है। आई एम श्योर हर किसी ने इंट्रोस्पेक्ट किया होगा, हर किसी ने लाइफ को एक दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश की होगी। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस लॉकडाउन। मैं इस लॉकडाउन का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो शायद मेरे माइंड में कभी यूट्यूब चैनल खोलने की आइडिया नहीं आती। और बाय द वे, ये आइडिया आप ही की देन है, आप ही लोगों ने मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फोर्स किया, काफ़ी मुझे रिक्वेस्ट की। और मैंने एक पोल लिया था उस टाइम, मुझे याद है कि एक एक्टर को एक अगर सोशल मीडिया पे अगर अपने आप को एक्सटेंड करना हो, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना हो, तो उसको यूट्यूब पे जाना चाहिए या उसको टिकटॉक पे जाना चाहिए। और उस टाइम पे वो कंट्रोवर्सी चल रही थी, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो आप सब ने वोट किया और आप सबकी रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए। फिर मैं सोचने लगा, मैं अगर यूट्यूब पर आऊँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ 2 से 4 वीडियोज़ बनाऊँ उसके बाद में गायब हो जाऊँ। YouTube इज़ अ परमानेंट जॉब, आपको इसके लिए वक्त देना पड़ता है, आपको अपने टॉपिक्स को सोचना पड़ता है। जो ये वीडियोस मैं करता हूँ, इसकी स्क्रिप्ट मुझे माइंड में सोचनी पड़ती है। हालांकि मैं कुछ याद करके रट के बात नहीं करता हूँ, जो एक बार कैमरा ऑन हो जाता है तो मन से दिल से जो निकलता है वही बात करता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग बनाते हैं, जिसमें कुछ सीखने वाली चीज़ें हो, कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हो, क्योंकि रोस्ट और कॉमेडी यूट्यूब पर भरे पड़े हैं। तो मैं सोच रहा था कि कुछ अलग करते हैं। तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद है मेरा पहला ही वीडियो एनिमल क्रुएल्टी के ऊपर आया। और लॉकडाउन में ये इस कोरोना की वजह से जो लोग एक दूसरे से दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इनइक्वालिटी जो अपने समाज में बढ़ रही थी उस समय, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया। डिप्रेशन के ऊपर एक आया, मोटिवेशन के ऊपर आया, इंस्पिरेशन के ऊपर आया, एक रोस्ट करने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा गेमिंग भी, गेमिंग से रिलेटेड भी वीडियोस डाला करो, क्योंकि यूथ और टीनेजर्स भी इस चैनल को देखते हैं। तो मुझे Formula 1 कार रेसिंग का बहुत शौक है, आई एम जस्ट पेट्रोल हेड, तो मुझे बहुत शौक है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो उसके ऊपर। फिर फिटनेस के ऊपर कुछ लोगों ने कहा कि आप बताइए, हमारे घर में बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं है, तो विदाउट इक्विपमेंट हाउ टू बिल्ड योर फिजिक, तो उसके ऊपर एक वीडियो आया। उसकी काफ़ी सीरीज़ बनाना मुझे बाकी है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी मैंने किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के खींचा नहीं है, कभी भी किसी एक टॉपिक के ऊपर मैंने 5 या 6 वीडियोज़ नहीं बनाए हैं। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि एक टॉपिक पे एक ही वीडियो हो और वो अच्छा हो, एंड आई डोंट केयर। मैं कभी कभी इस चीज़ का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वीडियो कितनी लंबी बन रही है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस टॉपिक पे सिर्फ एक ही बार बात करूँगा। अगर मुझे उस टॉपिक पे इन फ्यूचर कभी लगता है कि कुछ और थॉट मेरे माइंड में आया है या कुछ और एंगल से मैं उस टॉपिक की तरफ सोच सकता हूँ, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। बट यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि रिपीटेटिव वीडियोज़ ना हो। फिर गालिब का ट्रेलर आया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया। क्या होता है कि एक एक्टर को अप्रिशिएट करने के लिए ऑडियंस को उसका काम देखना बहुत ज़रूरी है, और मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा था कि 2 फिल्में की है, 2 टेलीविज़न सीरीज़ की है, 4 साल के अंदर मुंबई में एक छोटा सा स्ट्रगल का ये पीरियड है, उसमें ये अचीवमेंट्स है, लेकिन लोगों के सामने काम नहीं आ पा रहा था, और उसकी वजह से मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो रहा था। और मैं सोच रहा था कि अब मेरा काम ही आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो हाउ विल यू गाइज कंसिडर मी एज एन एक्टर। लेकिन आप लोगों का जो कहते हैं ना, अनकंडीशनल जो प्यार होता है, आपने मेरी एक्टिंग बिना देखे मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया है, मुझे लगता है शायद ही लोगों ने कभी किसी को बिना उसका काम देखे इतना प्यार किया होगा, अप्रिशिएट किया होगा। आप लोगों ने मुझे एज एन एक्टर एक्सेप्ट किया। अभी जो डीडी नेशनल के ऊपर एक टेलीविज़न सीरीज़ है, मेरे मन की कस्तूरी, जो रात को 10:30 बजे आती है, एवरी सैटरडे एंड संडे,
हर हफ्ते आती है, तो वो 1.5 साल पहले हमने शूट की थी, जो अब आज टेलीकास्ट हो रही है। तो ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी चीज़ें पोस्टपोन हुई है, गालिब का रिलीज़ पोस्टपोन हो गया, दीनदयाल की रिलीज़ पोस्टपोन हो गई, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि ये OTT प्लेटफॉर्म पर आए, हम चाहते हैं कि फिल्म आए तो थिएटर्स में आए, क्योंकि हमने बनाई ही उस दृष्टिकोण से थी। तो थोड़ा सा वेट करते क्योंकि ऑलरेडी 1 साल वेट कर चुके, तो कुछ महीने और वेट करने से कुछ बिगड़ने नहीं वाला। फिर मैंने सोचा गालिब का ट्रेलर हो गया, फिर काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे कि शूटिंग के टाइम पे ये कैसा था, आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था। तो प्रयागराज से रिलेटेड गालिब पार्ट 1, भदरवा कश्मीर से रिलेटेड गालिब पार्ट 2, तो ऐसे दो पार्ट्स में वीडियोज है। उसके ऊपर तो आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज़ अनबिलीवेबल, दैट इज़ अमेजिंग। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट। यू नो, पीछे आप ये पौधा देख रहे हैं ब्लैक वाला, ऐसा ही साल था, काला सा, अजीब सा, और इसके ऊपर जो छोटी सी हरियाली हमें दिख रही है वो हम हैं, वो हमारा ऑप्टिमिज्म है, जो हमारी पॉजिटिव सोच है। नो मैटर वॉट, जो भी हो रहा था उस साल में, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही थी, काफ़ी डिप्रेसिंग सा था, लेकिन हम लोग ने अपने आप को स्ट्रांग रखा और आगे बढ़ते रहे, सोचते रहे कि अगला दिन अच्छा होगा, अगला महीना अच्छा होगा। और इसी ऑप्टिमिज्म ने हमें 2021 के मोड़ तक लाके खड़ा कर दिया है। कभी कभी लगता है ना कि ये साल इतना लंबा था कि एक चुटकी बजाते और शायद ये साल ख़त्म हो जाता। ये तो हो गया, विदाउट वेस्टिंग टाइम अब जल्दी से लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द न्यू ईयर ब्लॉग। हाँ, तो फिर सुबह 5 बजे निकलने का प्लान था, तो 9 बजे तक निकल गए। कोई नहीं, अपने हौसलों पर जो एतबार करते हैं उन्हें मंजिलें खुद पता बताती हैं, रास्ते भी उनका इंतज़ार करते हैं। क्यों, और फिर फाइनली हम लोग औरंगाबाद पहुंच गए, बड़ी मौसी के घर। वैसे तो है ये सबसे छोटी बहन, लेकिन इन्हें सब लोग बड़ी मौसी कहते हैं। ये देखिए इस टाइम इन्होंने क्या सरप्राइज़ दिया है, अपने पूरे घर को इन्होंने खूबसूरत से बागीचे में बदल दिया है, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग। इनका टेरेस भी देखने लायक, लेकिन पहले शॉपिंग, बाद में वो सब। हम कजिन्स को एक साथ घूमने का यही तो मौका मिलता है।
Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. I ain't GVA, that's how we get it done, That's how we get it done, That's how we get it done, That's how we get it done. Sly Ink GVA, that's how we get it done, Sly Ink GVA, that's how we get it done, That's how we get it done, That's how we get it done, That's how we get it done. Sly Ink GVA, that's how we get it done, और फिर यहाँ से हम सतीश मामा के घर गए। यहाँ पे भी वही बात, टेरेस के ऊपर गार्डन, और ये देखिए एक नन्हा सा कछुआ। इनको जानवर का बहुत शौक है। ये जो पिंजरे आप देख रहे हैं, इनमें भी इनके पास कम से कम 20 लव बर्ड्स थे, लेकिन लॉकडाउन में इन्होंने सबको आज़ाद कर दिया। इसके बाद हम लोग गए डिनर करने के लिए। औरंगाबाद के सारे रेस्टोरेंट्स फुल थे, बस यही हमारा इंतज़ार कर रहा था। Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Happy New Year! Happy New Year! दोस्तों के साथ तो न्यू ईयर हर साल मनाते ही रहते हैं, लेकिन विद फैमिली एंड कजिन्स, ट्रस्ट मी, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम टुगेदर। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, हालांकि मैं दो दिन के लिए बीमार भी पड़ गया था, वो भी फाइनली 4 साल बाद, क्योंकि इस लॉकडाउन में 9-10 महीने से घर से बाहर निकले नहीं तो आदत ही ख़राब हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना, होके मायूस ना यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही पाँव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। ये देखिए राह में गड्ढे। आए हाय हाय हाय, जान निकाल दी सड़क ने तो। सारा दिन जो गाड़ी 150 की स्पीड से चल रही थी, अब 20 की स्पीड से भी नहीं चल पा रही है। ओहो, जो मसाज मुझे मिला इस सड़क पे, थैंक्स टू ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ महाराष्ट्र। जितने भी हमारे दिग्गज महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस हैं ना, उनको सलाम है भाई, थैंक यू वेरी मच। आज आपकी कृपा की वजह से मैं इतना बढ़िया मसाज कर पा रहा हूँ, मज़ा आ गया भाई। ये लो भाई, एक्सीडेंट हो गया, आई एम नॉट सरप्राइज। वो कहते हैं ना, सुख दुख की धूप छाँव से आगे निकल के देख, इन ख्वाहिशों के गाँव से आगे निकल के देख, तूफा क्या डूबाएगा तेरी कश्ती को। महाराष्ट्र की सड़कों से अपनी गाड़ी निकाल के देख। दोस्तों ये मैं मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन देखिए ये है नीचे महाराष्ट्र की सड़क, ऊपर आपको बोर्ड दिख रहा है वेलकम टू गुजरात वाला। हम यहाँ से इस रोड से अक्सर जाते, लेकिन आज मैं जानबूझ के इसको शूट करके दिखा रहा हूँ। ऊपर मराठी में लिखा है महाराष्ट्र यहाँ खत्म हो रहा है। अब नीचे देखिए ये खराब सड़क और ये अच्छी सड़क, वेलकम टू गुजरात डेवलपमेंट, आखिरी गाँव तक, आखिरी छोर तक। 15 साल मुख्यमंत्री गुजरात के, और अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हैट्स ऑफ। रुकिए, अभी तक वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। नया साल शुरू हो रहा है, तो एक अनाउंसमेंट। अभी तक जैसे कि आपको पता है कि मैंने कोई भी YouTube वीडियो रिपीट नहीं किया है, लेकिन अब मैं एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनाने वाला हूँ, जिसका नाम है टॉप 5, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस सीरीज़ में ये होगा कि कोई भी चीज़ें,
जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन है, जो मेरा टेक है. टॉप 5 रीजंस व्हाई पीपल आर सैड इन लाइफ, टॉप 5 रीजंस व्हाई पीपल आर हैप्पी इन लाइफ, टॉप 5 वेज कि लड़कियों को कैसे पटाते हैं, टॉप 5 वेज आप कभी भी अपने करियर में फेल कैसे नहीं होंगे, टॉप 5 वेज ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इन लाइफ, टॉप 5 वेज ऑफ मेकिंग मनी, टॉप 5 वेज ऑफ लुकिंग गुड विदाउट यूजिंग मेकअप, टॉप 5 वेज ऑफ लूजिंग वेट विथ ईटिंग लॉट ऑफ फूड. तो इन सारी अलग अलग टाइप की इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर मैं टॉप 5 वीडियोस बनाऊंगा, जो शॉर्ट होंगी, जो जल्दी जल्दी वीडियोस ख़त्म भी हो जाएंगी, अच्छा सा टॉपिक होगा, नॉलेज भी मिल जाएगा और बहुत धमाल होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है. ये जो नया सीरीज़ है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट एंड आई होप कि आप मुझे ऐसे सपोर्ट करेंगे जैसे कि आपने मुझे अभी तक किया है. तो जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको टॉप 5 वीडियोस में आपके सजेशंस क्या है, आपको किस टाइप के टॉप 5 वीडियोस चाहिए, आप भी मुझे टॉपिक्स बताइए. अगर मुझे कोई सजेशन अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आपके उस सजेशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा. सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, टॉप 5 वीडियोस तो बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, मुझे पता है कि आप सब लोग ज़रूर शेयर करेंगे. Thank you very much and again wishing all of you a very 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 happy new year 2021. Don't worry, ye saal dhaasu hoga, ye saal bahut acha hone wala hai, it's my gut feeling. Bye bye, take care, namaskar.